टाइगर स्टेट के बाद अब जल्द ही मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट के रूप में भी जाना जाएगा। एमपी में तेंदुओं का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, यह बात पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कही। पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है ही, लेकिन अब तेंदुआ स्टेट भी बनने जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ तेंदुए बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि टाइगर शहर की ओर चले आते हैं, हमारा विभाग उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। नागर सिंह चौहान ने कहा कि जहां मैं रहता हूं अलीराजपुर में, वहां पर प्रदेश के किसान अब जंगल की तरफ कम जाते हैं, यही वजह है कि टाइगर, चीते और तेंदुए शहर की तरफ आ रहे हैं, हमें इस ओर ध्यान देना होगा। देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है ही, और दूसरा मध्य प्रदेश में तेंदुए की भी संख्या बड़ी मात्रा में बड़ी है, और ये मध्य प्रदेश पहले से ही प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार चीता स्टेट तो है ही है, टाइगर स्टेट भी और अब तेंदुआ स्टेट भी हुआ है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश में जो टाइगर शहर की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा विभाग समय समय पर उनको पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब जंगल से जब शेर शहर की ओर आ रहे हैं, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं जहाँ रहता हूँ अलीराजपुर ज़िले में, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश का जो किसान है अब जंगल की ओर, जंगलों में कम जाता है, उसके कारण मुझे लगता है कि जो हमारे टाइगर है, चीते हैं, तेंदुए हैं, शहर की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।